रावत सरकार आने वाले 7 और 8 अक्टूबर को सूबे में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। इस समिट को लेकर तकरीबन अभी तक 1700 निवेशकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। निवेशकों द्वारा मैदानी क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी निवेश हेतु अच्छी रुचि दिखाई जा रही है। अब तक लगभग 61,000 करोड़ के MOU हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इस इन्वेस्टर समिट को त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का फ्लॉप शो बता रही है। भारत खबर के विशेष संवाददाता अजस्त्र पीयूष के साथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने खास बातचीत करते हुए सरकार के इन्वेस्टर समिट को फ्लॉप शो बताया है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा जी हैं। हम बात करेंगे, सूबे में आने वाले दिनों में इन्वेस्टर समिट है, भाजपा सरकार इन्वेस्टर समिट कर रही है, ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? क्या भाजपा सरकार सूबे में इन्वेस्टर समिट के जरिए कुछ नई क्रांति ला पाएगी या विकास के कुछ नए कार्यक्रम लाएगी? गरिमा जी, क्या कहना है आपका इन्वेस्टर समिट को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इन्वेस्टर समिट का कभी भी विरोध नहीं किया और हमने कहा कि अगर यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता है, उत्तराखंड का विकास होता है, तो हम खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे। अब बात आ रही है कि इन्वेस्टर्स कितने आ रहे हैं या MOU कितनों के संग साइन हो रहा है, लेकिन हमने हमारा एक बहुत ही कड़वा अनुभव है बगल के राज्य उत्तर प्रदेश का, जहाँ 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो आया, इन्वेस्टर्स आए और 1 लाख करोड़ का इन्वेस्ट उन्होंने MOU करा, लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट 1/10 भाग भी नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चीज़ें इन्वेस्टर्स को चाहिए, पहले सरकार को उसका होमवर्क कर लेना चाहिए था। आपको 1.5 साल हाईवे हुआ है, सड़क गड्ढों से भरी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, लैंड बैंक आपके पास है नहीं, कानून व्यवस्था का ये हाल है कि आए दिन नाबालिग बच्चियों के संग यहाँ दुष्कर्म हो रहा है, लूट, डकैती, मर्डर, आत्महत्या, कुछ ऐसा नहीं बचा जो देवभूमि की संस्कृति को तार तार ना कर रहा हो। लेकिन आपने इन्वेस्टर्स बुलाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितनों को रोजगार मिलता है, ये भविष्य के गर्व। गरिमा जी, यहाँ पर एक सवाल है कि सरकार ने बीते दिनों टूरिज्म पॉलिसी लाई और कहा कि पिछली सरकार जो थी उसकी टूरिज्म पॉलिसी जो थी वो ऐसी नहीं थी कि रोजगार के अवसर लाएँ, तो ऐसा क्या था पिछली सरकार को आपकी? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि त्रिवेंद्र सरकार जो काम कांग्रेस की सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने किया, उसका श्रेय भी उनको नहीं देना चाहती, लेकिन कम से कम इस तरह का मनगढ़ंत झूठ तो ना बोले। आज जो पर्यटन नीति इनकी आई है या जो भी नीति इनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आई है, पूरी की पूरी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन उसमें 70-80% होमवर्क या 70-80% चाहे MSME हो, ये हमने बनाया, उनके लिए नीतियाँ हमने बनाई, लघु उद्योगों के लिए हमने बनाई, जो मझोले उद्योग हैं उन हमने बनाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सफ़ेद झूठ ये सरकार बोल रही है, और आप कुछ भी देख लीजिए, नींव हमारी ही डाली हुई है, उस पर ये कितनी बड़ी बुनियाद खड़ी करते हैं ये देखने वाली बात है। यहाँ हमारे साथ गरिमा जी थी जिन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट का उन्हें विरोध नहीं है, लेकिन इस इन्वेस्टर समिट का कितना फायदा देवभूमि उत्तराखंड को मिलेगा ये तो वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मोनू राजपूत के साथ अजस्र पीयूष, भारत खबर।